तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का नवरात्रि का व्हाट्सएप डीपी लोगो पोस्टर बनाना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, तो गाइस बन रही है हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर व्हाट्सएप डीपी लोगो बनाने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PLP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जीप फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जीप फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी मिल सकता है। तो बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग भी ऐसा पोस्टर बना सको। तो सबसे पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल लैब है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा open.plp फाइल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से भी आपको PLP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप लोग इस पोस्टर के जीप फाइल को डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डालकर जब अनजिप करोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर आएगा नीचे की तरफ आपका। तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं पिक्सल लैब में मराया हूँ, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नवरात्रि लोगो पोस्टर PLP, तो उस पर आपको क्लिक करके ओपन एंडेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक बार बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद गाइस देख सकते हो कि हमारा बनाए हुआ नवरात्रि लोगो पोस्टर ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि ये वाला फ़ोटो हटाकर यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो चलो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ पर इस फ़ोटो को डिलीट करता हूँ और एक दूसरा फ़ोटो ऐड करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इस फ़ोटो पर टाइप करना और इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइस, आपको इस वाला ऑप्शन पर आना है, इनपुट पर क्लिक करना। और जैसे इनपुट पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लेके जाएगा। तो वहाँ से आप लोग कोई सा भी एक फ़ोटो चूज कर ले रहे हैं अपना, तो मैं एक फ़ोटो को PNG बनाया हूँ, तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। और आपके पास PNG फ़ोटो नहीं है तो मैंने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PNG फ़ोटो कैसे बनाए उस वीडियो का लिंक दिया हुआ, तो वहाँ से जाकर आप देख कर PNG बना सकते हो। तो जैसे कि मैं ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, करने के बाद आपको यहाँ पर एक सही का निशान मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक व्हाइट सर्किल मिलेगा, तो इसको आपको पकड़ के आप इस फोटो को इस फ्रेम इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो और यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करने के बाद गाइस, आपको इस फोटो को पीछे की तरफ लाना है, तो इस पर आपको डबल बॉक्स पर क्लिक करना है और इस फोटो को थोड़ा सा होल्ड करके रखना है और नीचे की तरफ लेकर जाना है। और नीचे की तरफ ले लाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इस ब्लैक सर्किल के और इसके बीच में रख देना। रखने के बाद देख सकते हो कि हमारा फोटो एडजस्ट हो चुका है, और यहाँ पर मैंने देख सकते हो कि नाम भी लिख रखा है। तो इस नाम वाले ऑप्शन को 2 बार क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका कीबोर्ड खुलेगा, तो वहाँ से आप लोग अपना नाम लिख लेना है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिख रखा है, तो इस पर भी आपको 2 बार क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो। तो लिखने के बाद यहाँ पर आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है और आपको सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।